सो भाई, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा नोकिया X6। तो यार देखो, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं इस फोन का गेमिंग टेस्ट। तो यार इस फोन की रिक्वेस्ट आई थी, गेमिंग टेस्ट करो इसके ऊपर कि कैसी चलती है। इसके ऊपर पबजी हो गई, एसफोल्ड 9 हो गई, एसफोल्ड एक्सट्रीम हो गई, और मैंने एक गेम और डाल दी जो कि डेड ट्रिगर 2। मैंने सोचा यार चलो इसको भी देख लेते हैं कैसी चलेगी। तो यार देखो, सबसे पहले जो है ना, सब लोग जिस गेम का वेट कर रहे हैं वो यार ऑब्वियसली है पबजी मोबाइल। कि कैसी इसके ऊपर चलती है पबजी मोबाइल। मेरी जो होप्स हैं यार इससे बहुत ही बढ़िया हैं और बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। और मुझे पता है यार, ये जो स्मार्टफोन है बहुत अच्छा प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि स्नैपड्रैगन 636 है। और एक तरीके से यार, मैंने जैसा को कल ही बताया था, इस फ़ोन की परफॉर्मेंस बढ़िया ही रहने वाली है, क्योंकि एंड्रॉयड 1 है टॉप पर, 636 प्रोसेसर है, 4 GB की रैम है, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है। ओवरऑल फोन बहुत बढ़िया है। तो यार देखो, यहाँ पे जो है गेम स्टार्ट हो चुकी है। ऊपर यार देखो, नॉच वाली डिस्प्ले है, नीचे यहाँ पे नोकिया की ब्रांडिंग है। फ़ोन लग रहा है बहुत ही ज़्यादा मस्त। तो स्टार्ट करते हैं गेम को। इतनी सारी एक तो लोडिंग स्क्रीन आती है पबजी के अंदर। देखो यार, एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी है, आप देख सकते हैं 90% पे इस टाइम पर बैटरी। इसकी हल्की सी ब्राइटनेस तेज कर दो ताकि आप लोगों को दिख सके। तो ग्राफिक्स में जाके देख सकते हैं यार, बैलेंस एंड मीडियम। तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे हाई सेटिंग्स पर आप जा ही नहीं सकते। देखो HD नहीं कर सकते, और कलरफुल में मैं खेलता हूँ हमेशा, तो इस तरीके कुछ आपको सिनेरियो मिलता है। ऑन कैमरा यार, ये जो सारी गेम्स है, चाहे आप HD पे खेलो, अल्ट्रा HD पे खेलो, जिस मर्जी पे खेलो, ज़्यादातर सेम ही लगती है। लेकिन जब आप इसको अपने हाथ में लेके खेलोगे, जब आपको शायद डिफरेंस देखने को मिल सकता है। एंड देखो यार, पबजी की परफॉर्मेंस मैंने कल ही बोली थी बहुत बढ़िया है इसके अंदर। देखो जैसे कि आप 50 बंदों ने ज्वाइन कर लिया है, तो हम लोग चलते हैं थोड़ा इधर ऊपर से कूदेंगे वहाँ से। देखो थोड़ा अभी यहाँ पे हैंग देखने को मिला, फ़ोन थोड़ा लैग कर रहा है। देखो दोबारा से लैग कर रहा है, तो थोड़ा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इस टाइम पर हम अभी अपनी इधर हैं और जितने भी बंदे अभी ऐड हो रहे हैं, तो उस वजह से कभी कभार लैग कर लेता है। लेकिन जब एक्चुअल गेम के अंदर हम उतरेंगे, देखते हैं फिर कैसा होता है। थोड़ा भी गेम खेलते हैं एंड यहाँ पे ऊपर चल के देखते हैं यार कैसा लगता है। बाकी देखो, गेम की जो परफॉर्मेंस और जो को स्पीकर की जो परफॉर्मेंस है यार, मेरे को स्पीकर की भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगी इसके अंदर। मतलब स्पीकर बहुत ही ज़्यादा मस्त आवाज़ कर रहा है इसकी, मतलब। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपने प्लेन के अंदर। और देखो यार, सबका जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है पोचिंग की। पोचिंग की भी सर्वाइव कर लिया, तो मतलब बिल्कुल ज़िंदगी से सवर गई हमारी। तो पोचिंग की चलेंगे और देखते हैं नोकिया X6, क्या पता हमारे को चिकन डिनर आज दिला दे इस पोचिंकी की जगह पर। तो देखते हैं यार, पोचिंकी अभी आया नहीं है हमारा। पोचिंकी जैसे ही आएगा हम वैसे ही कूद जाएंगे। देखो यार, मैं बोलूँगा फ़ोन हीट भी नहीं कर रहा, हल्की हल्की हीट सी महसूस हो रही, लेकिन कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं है। और ये हम पोचिंकी आने वाले हैं बस, और ये कूदेंगे। तो यार देखो, पोचिंकी पे ना बहुत से बंदे उतरते हैं, और यहाँ पर मतलब गन वन सब बढ़िया मिल जाती है। M416 हो गई, AKM हो गई, और देखते हैं कैसे चलता है। बाकी सर्कल जो है हमारा सही रहे, प्ले जोन के अंदर रहे हम, थोड़ी गेम जो है सही चलेगी जब तक। और बाकी यार, पबजी की देखो गेम जो है ना यार, हमेशा से मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, थोड़ी लंबी ही रहती है ज़्यादातर। मतलब 30 मिनट की तो होती होती है, और अगर आप दूसरे लाइक मोड खेलते हो जो कि हो गए वॉर जोन और वो सब, उसमें सही रहता है। बट ये भी खेल के एक बार देख ही लेते हैं कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। और यार पोचिंकी के अंदर मेरे को ये वाला घर सबसे बढ़िया लगता है, जो ये वाला है जिसके ऊपर मैं बिल्कुल अब इधर एंड इसके अंदर चलते हैं। हालांकि इधर कुछ मिलता नहीं है कुछ ज़्यादा खास, लेकिन यार यहाँ पे जो है ना, इसकी जो छत है, मैं दिखाता हूँ आपको, आप लोगों को वैसे पता ही होगा मैं क्यों बता रहा हूँ, लेकिन इसकी जो छत है इसके ऊपर चलेंगे अगर हम, तो यहाँ पर बैठ जाओ अगर, तो यहाँ से मतलब ये वाला रास्ता भी दिखता है अगर आपको पूरा स्क्वाड है आपके साथ, ठीक है। और आपका इस साइड का पूरा दिखता है, सारे घर दिखते हैं। थोड़ा ऊँचा है तो आप घरों में भी लाइक अगर किसी घर की खिड़की अगर आपका स्कोप है, तो सिंपल से निशान लगा सकते हो और ऐसे करके मार सकते हो। और यहाँ पे मेरे को लगता है मेरे साथी भी आ गए हैं 6, तो देखते हैं। बाकी यहीं बैठ रहता हूँ मैं थोड़ी देर, बैठने से क्या होगा, थोड़ी गेम खेलनी पड़ेगी। तो यहाँ कूद गए, यूज़ ही मिल गई है। अब लोग इसे यूज़ेड आई भी बोलते हैं, कोई यूज़ी भी बोलते हैं, तो अलग अलग है, जो भी आप लोग प्रोनाउंस जिस तरीके से करना चाहें कर सकते हैं। बाकी गैस कैन ले ही लूँ क्या? चलो ले लेता हूँ, ऐसे मेरे को बड़ी हेल्प हो जाती है गैस कैन लेने से। कभी कभार मैं गाड़ी का मन करता है, मैं गाड़ी चलाता रहता हूँ और तेल ख़त्म हो जाता है, तो गाड़ी में तेल डालकर हम और चला सकते हैं। देखो यहाँ पे जो घर है ना, ये मतलब 2 BHK 3 BHK हर टाइप का अपार्टमेंट मिल जाता है आपको यहाँ पर। मेरे वेस्ट पहन रखी है मैंने, वेस्ट ना, अच्छा पहनी है, वेस्ट पहननी नहीं थी। ओके, 3x स्कोप भी रखी लेता हूँ, बाद में कभी काम आ सकता है, क्या पता AKM मिल जाए मेरे को। AKM पे 3x स्कोप लगा लेंगे और मस्त से फिर स्कोप से निशान लगाएंगे। देखो यार, फ़ोन हीट नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ा बहुत कर रहा है यहाँ अपर साइड से, लेकिन ठीक है, मैनेजेबल है, और मतलब ठीक चल रही है। मेरे को किसी ने गोली मारी नहीं, मैप में तो शो नहीं हुआ है, तो गोली नहीं पड़ी है इसका मतलब।
इस वाले में चलते हैं। सही चल रही है यार गेम अभी तक। हेलमेट भी मिल गया लेवल वन, गेम के अंदर कोई हिकअप्स नहीं है। 9 mm, मतलब 150 गोलियाँ हो गई मेरे पास 9 mm की, और गोलियाँ चलनी स्टार्ट हो गई हैं वहाँ सामने। मेरे को दिख नहीं रही कहाँ पर चल रही है, दूर चल रही होंगी। स्कोप भी नहीं है, मतलब स्कोप है लेकिन बंदूक नहीं है स्कोप वाली। मतलब ये बेड कैसा है वैसे, मैट्रेस लग बंदा जा रहा, बंदा जा रहा, बंदा जा रहा है। ऑटो पे सिंगल चूट मारेंगे। अरे शिट, इसको पकड़ेंगे। ये लगता है बॉट है, ये बॉट है, ये पक्का बॉट है, लेकिन ये मुझसे भाग रहा है, इसको मैं मार के रहूँगा। मतलब जिसे कहते हैं ना कंगला, ये वो था बंदा। इसके पास कुछ नहीं था काम का। कोई तो आ रहा है, आ गया आ गया। मैंने देखा, मैंने देखा वो रहा बंदा, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। इसके पास भी कुछ नहीं है लगता है, है लेकिन बहुत ही बकवास सामान है इसके पास भी। देखो यार गेम बहुत मस्त चल रही है अभी इस टाइम पर, इसके ऊपर और सब कुछ बैलेंस है, बढ़िया चल रही है गेम बहुत ही। तो आप लोगों को पता चल चुकी हो यार अब तक परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब 6-7 मिनट हमने खेल ली। अब इसको करते हैं क्लोज़, बैकग्राउंड में जो भी टास्क थे सबको करेंगे क्लोज़ एक बार कर देते हैं क्लोज़ अब सबको, ठीक है। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं कोई दूसरी गेम। तो यार एस्फोन 9 लेजेंड्स मस्त सी गेम है, एक बार इसको भी देखते हैं ट्राई करके कैसी चलती है हमारे इसके ऊपर, राज दुलारे नोकिया X6 के ऊपर। तो देखो फ़ोन अभी हीट तो कर रहा है, मतलब देखो स्पीकर क्वालिटी आप लोगों को पता चल रही होगी। यहाँ पे मैं स्पीकर की इसकी आवाज़ कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए थोड़ी मेरी आवाज़, क्योंकि इसकी ज़्यादा सुनने में मज़ा नहीं आएगा। तो यार ये जो चीज़ है ना, ये जो लाइन डिसाइड करने का एस्फोल्ट लाइन, यार देखो मेरे को एस्फोल्ट लेट से ज़्यादा पता नहीं क्यों नहीं पसंद आती, लेकिन एस्फोल्ट लाइन के अंदर ये है कि ग्राफिक्स अच्छे हैं, बट एस्फोल्ट लेट यार ज़्यादा पसंद आई थी मुझे, पर उसके अंदर थोड़ा अलग टाइप का वो था, जैम टाइप। अरे मेरे को जंप करनी है, आई नीड टू जंप। देखो यार अभी तक तो ये जो गेम है इसके ऊपर सही चल रही है, और मेरे को जो लग रहा है मतलब इसके ऊपर अभी सही चलेगी, लेकिन यार देखो ये वाला जो पार्ट है ना अभी इस टाइम पर गर्म होने लग गया है फ़ोन का। बट मैं ये बोलूँगा कि फ़ोन के ऊपर अभी तक भी ये गेम मस्त चल रही है, मतलब अभी भी मस्त चल रही है और कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं हुई है। बट मैं अभी जो है यहाँ पर इसके चेक करता हूँ ग्राफिक्स, हम लोग चेक करेंगे अब ग्राफिक्स, गेम सेटिंग्स, साउंड एंड डिस्प्ले। सो जैसे ही आप देख सकते हैं यार SFX म्यूज़िक सब कुछ टॉप पे है, विजुअल क्वालिटी हाई क्वालिटी, ठीक है। सो दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, विजुअल क्वालिटी हाई कर दी हमने, और अब हाई पे चेक करते हैं कि किस तरीके से वर्क करती है। सो भाई अब हमने गेम जो स्टार्ट कर ली सैन फ्रांसिस्को वाटर साइड के अंदर, ये गेम होगी खेली जाएगी। सैन फ्रांसिस्को का ब्रिज दिख रहा है मेरे को, गोल्डन गेट। तो देखते हैं यार ये कैसी चलती है गेम इसके ऊपर। और फ़ोन जो है थोड़ा मेरे को गरम गरम अब दिख रहा है, मतलब पूरी इस साइड से भी, और 86% पे आ चुका है, 90% पे था जब हमने स्टार्ट करा था, तो 4% ड्रॉप हुई है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। ओह वाओ, यस, सारी गाड़ियों को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। यार ग्राफिक्स बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं इसके ऊपर,
ओके सो वी आर अगेन नंबर वन, और जो गेम है वो लग रही है बहुत ही अमेजिंग इसके ऊपर। सही से यार देखो ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला और हल्का सा ये वाला भी मेरे को गर्म महसूस हो रहा है। और मैं यहाँ पे टेम्परेचर गन लेके नहीं दिखाना चाहता यार, देखो हाथ में जो हमें लगेगा मैं वो फील आपको बता रहा हूँ, हल्का हल्का गर्म लग रहा है, कुछ ज़्यादा गर्म नहीं है और मैनेजेबल है। सबसे बड़ी बात देखो 86% जो है बैटरी लेवल अभी भी है इसका, जो कि यार मतलब अमेजिंग ही है। 86% 90 पे स्टार्ट किया था, मतलब बेस्ट इन बेस्ट। चलो अब डेड ट्रिगर 2 खेलते हैं एक बार, देखते हैं लास्ट गेम है यार ये, और एक बार इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं इसके ऊपर कैसे चलती है। सर देखो इस गेम से भी मेरे को लग रहा है कि मस्त सी चल जाएगी इसके ऊपर ये, तो देखते हैं एक बार इससे चला के क्या ही चलती है। वैसे ये गेम यार बहुत ज़्यादा नहीं हाई इंटेंसिव ग्राफिक्स वाली गेम नहीं है, जितनी पबजी और एसफॉल्ट 9 लेजेंड्स है ये थोड़ी उससे कम है, लेकिन फिर भी यार देखने में क्या जाता है कि कैसे चलती है गेम। बाकी ये गेम भी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और पावरफुल थी। तो जस्ट मैंने यार अभी नोटिस करी है इसके अंदर जो है क्रॉप हो गई है, तो ये गेम जो ऑप्टिमाइज़ नहीं है 1999 एस्पिरेशन के साथ में, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई बात। और यार अब मेरे को जो है ना ये एक्सपीरियंस यार बिल्कुल गंदा लगता है। देखो ये जो है ना पूरी क्रॉप हो चुकी है साइडों से, अभी दिख नहीं रही होगी आपको क्योंकि कार पूरा ब्लैक एनवायरनमेंट है इस टाइम पर, बट ये साइडों से जो है क्रॉप हो चुकी है। क्रॉप क्या मतलब, ये 1999 गेम है और यार ये तो सबको पता होता है यार। पबजी के अंदर ना मेरे को सबसे बड़ी बात ना यही लगती है कि वो जो गेम है ना उसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा ऐसा खास वो नहीं मिलता, मतलब कि आपको हर हज़ार चीज़ों सिखाएगा, बस ये है कि स्टार्टिंग के अंदर दो चार चीज़ें बता देता है और उसके बाद आपको अपने आप जो है समझ समझ के करना होता है। इन सब गेम्स के अंदर हर चीज़ बतानी होती है। तो बोले देखो यार ये गेम जो है ना इसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें गेम में। और बस यार ये थोड़ा सा गेम प्ले, क्योंकि मेरे को ये गेम इतनी ज़्यादा पसंद है नहीं, तो इसलिए यार मैं इसके ऊपर ज़्यादा खेलूँगा नहीं। ये थोड़ी मारधाड़ी गेम है, मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है, फालतू की है। तो गाइज़ यही है नोकिया X6 का पूरा गेम प्ले ऑफ द पबजी और एसफॉल्ट 9 लेजेंड्स। आप लोग बताइए यार कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग क्या सोचते हैं यार इसके ऊपर, क्या है आपके थॉट्स इस फ़ोन के ऊपर। तो यार देखो फ़ोन जो है गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर सबसे बेस्ट रहा है, और अगर आप लोगों को गेमिंग परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए जो कि बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है और जो कि ज़्यादा हीट भी नहीं करता यार, मतलब मैंने ये ऐसा फ़ोन देखा जो हीटिंग प्रॉब्लम जिसके अंदर मेरे को लगी नहीं रही, महसूस ही नहीं हो रही यार, मतलब ज़्यादा कुछ है ही नहीं यार इतनी गेम खेलने के बाद। मतलब फ़ोन जो है आजकल के ऐसे हीट होते हैं जैसे मतलब क्या हो जाए, मतलब उन्हें तवे पर रख दिया हो, लेकिन यार ये फ़ोन बिल्कुल हीट कर ही नहीं रहता ज़्यादा, जो कि यार बेस्ट चीज़ करी है नोकिया ने। मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो उन्होंने बढ़िया से इंप्लीमेंट कर दिया है जिसकी वजह से हीट जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ज़बरदस्त है। और साथ साथ 85% भी आ रहा है अभी भी स्टिल बैटरी, तो मतलब ये फ़ोन तो सोने पे सुहागा है, बैटरी जबकि छोटी है लेकिन फिर भी ऑप्टिमाइज अच्छे से है इसकी बैटरी। तो यार यही थी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आई होगी यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड मैं आपसे मिलता हूँ एक ऐसी वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।